यूपीएसटीएफ को सफलता मिली है, अरबों रुपए हड़पने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से ठगी करते थे रियल एस्टेट कंपनियों के सीएमडी समेत अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए, 2 लैपटॉप, 2 आईपैड, 22 एटीएम भी बरामद किए गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट भी मिले हैं। पासबुक के साथ ही एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, अरबों रुपए हड़पने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से ये गिरोह ठगी करता था रियल एस्टेट कंपनियों के सीएमडी समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और साथ ही कई सामान भी बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए हैं। सफी, और क्या जानकारी आपके पास, कब से ये इस तरह का ठगी का काम कर रहे थे? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि काफी टाइम से ये लोग ठगी के काम कर रहे थे। बिगवान अंकित बैजान सुभाष, इन लोगों की एक टीम की टीम बनाकर ये लोग काम करते थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से अरबों रुपए हड़पे हैं इन्होंने, और रियल एस्टेट कंपनियों, शाइन सिटी, शाइन स्पाइट और फूड स्काई ओशियन के सीएमडी राशिद नसीम और भी कई नाम इसमें शामिल है, वो सब मिलकर ठगी का काम करते थे। उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है आज लखनऊ से। जी सफी, इसके पहले भी कई ऐसे मामले लखनऊ में देखे गए हैं जहां मार्केटिंग कंपनी के नाम पर ठगी की गई, कॉल सेंटर के नाम पर ठगी की गई, क्या लखनऊ को क्या पूरा अड्डा बना लिया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये ठग सामने आ रहे हैं, चाहे प्लॉटिंग ले ले, चाहे बिल्डिंग ले ले, और चाहे ऑफिस ले ले, चाहे रियल एस्टेट ले ले, सभी को लेकर ठगी का अड्डा अब लखनऊ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसी गिरफ्तारी हो चुकी, कई गैंग पकड़े जा चुके हैं, ऐसे उनको लगातार एसटीएफ विघेन कर रही है, पकड़ रही है। अभी और भी बड़े नाम सामने आ सकते, क्योंकि शाइन सिटी जैसा नाम लेकर ये लोग बड़े बड़े जो घपले कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, कहीं ना कहीं और भी बड़े नाम सामने आने की आशंका जरूर लगाई जा रही है। सफी, राजधानी है, मुख्यमंत्री का खुद आवास है, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके विभाग लखनऊ में हैं, उसके बावजूद लखनऊ में इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है कहीं ना कहीं वो पीछे दिख रही है, क्योंकि अगर एसटीएफ पकड़ रही है, एसटीएफ कार्रवाई कर रही है और एसटीएफ पूछताछ की, कहीं ना कहीं पुलिस से जरूर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने रहे, इतने बड़े बड़े ठग, बिल्कुल सवाल या निशान खड़ा होता है सीधे तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सफी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे थे, जहां पर एक बड़े ठगी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, उनको गिरफ्तार किया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।